इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। वैसे तो हम सभी अब काढ़े के महत्व को जान चुके हैं और काढ़ा अब घर घर में बनता है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी हम सबसे इस काढ़े का सेवन करने का आग्रह किया है। तो आज मैं आयुष मंत्रालय द्वारा बताए गए काढ़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, पर उसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा ऐड की हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने सारी सामग्री एक जगह इकट्ठी कर ली है जिससे हमें काढ़ा बनाना है। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें और ऐड की हैं जो आयुष मंत्रालय ने काढ़े में बताई थी, जिससे हम नए कोरोना वायरस का मुकाबला अच्छे से कर सके। तो इसमें मैंने 2 इंच अदरक लिया है जिसको मैंने अच्छे से छील लिया, और ये 2 इंच लगभग हल्दी की गांठ ली है, इसको भी मैंने छील लिया है। और साथ ही साथ में ये गिलोय की टहनी ली है, ये हर जगह आसानी से मिल जाती है, तो लगभग 1-1 इंच की ये टहनी मैंने काट ली है और 5-6 टुकड़े इसके लिए हैं, ये भी बहुत फ़ायदा करती है। और ये तुलसी के 20-25 पत्ते हैं, ये तो गुणों का भंडार होती है तुलसी। साथ में ये मुनक्का लिया है, इसके भी करीब 5-6 मुनक्के के पीसेस लिए हैं मैंने। और साथ में मैंने यहाँ पर मुलेठी ली है, मुलेठी ये नई चीज़ ऐड की है मैंने इसमें, जिससे कि ये चेस्ट में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर करती है। तो इस तरह की डंडी मिल जाती है हमको टहनी किसी भी किराने की शॉप में, तो वहाँ से मैंने एक टहनी को लिया है, लगभग 1.5 इंच की टहनी है। और ये बड़ी इलायची है, करीब 6-7 लौंग ली है, 12 काली मिर्च के दाने लिए हैं, 3 हरी इलायची ली है, और दालचीनी ली है। दालचीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गले के किसी भी रोग के लिए, तो इसके करीब 2-3 इंच लंबा दालचीनी का पीस लिया है, और एक तेज पत्ता लिया है। तो इतनी चीज़ें हमको इस काढ़े को बनाने में उपयोग में लानी है। अब सारी सामग्री में से जिन सामग्री को हमें क्रश करके डालना है उनको हम पहले क्रश कर लेंगे। तो जो मुलेठी है उसको तो पहले ही मैंने लंबे लंबे पीसेस में कट कर लिया था, पर ये जो गिलोय है इसको हम इमाम दस्ते में डाल के अच्छे तरीके से क्रश कर लेंगे, ताकि इसका पूरा अर्क काढ़े में निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर मैं 4 लोगों के लिए काढ़ा रेडी कर रही हूँ, तो उस हिसाब से ये सामग्री है। तो अगर आप ज़्यादा के लिए करें तो उस हिसाब से सामग्री बढ़ा लीजिएगा, और कम के लिए करें तो कम कर लीजिएगा सामग्री को। तो ये मैंने पूरा अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है, आप चाहे तो मिक्सी में भी सारी चीज़ों को मिला के पीस सकते हैं। और अब हम काढ़ा रेडी करेंगे। आज मैं 4 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 4 कप पानी को लेना है। आप जितने लोगों के लिए भी काढ़ा बनाएं उतने कप पानी ले लें, या आप ग्लास में सर्व करना चाहते हैं तो ग्लास से मेजर कर लें, जिसमें भी सर्व करें उसी कप या ग्लास से आप पानी को मेजर कर लें। तो ये एक पैन में मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है, और अब पानी को डालने के बाद मैंने गैस को ऑन कर लेना है। तो हमने पानी ज़्यादा इसलिए लेना है क्योंकि हमको इसमें सारी सामग्री को डाल के उसमें काढ़ना है, बहुत देर तक उसको कुक करना है, ताकि उसका पूरा अर्क इस पानी में उतर के आ जाए। तो अब मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया, और इसमें सबसे पहले मैंने डाला तेज पत्ता। तो तेज पत्ता में भी बहुत सारे गुण होते हैं, जो गले की खराश या पेट संबंधित रोग होते हैं सभी में ये फ़ायदा करती है। और इसके बाद मैंने लगभग 5-6 लौंग डाल दी हैं। लौंग भी गले संबंधित सर्दी खांसी जितने भी रोग होते हैं, या गले की जो परेशानियाँ इस कोविड के समय हो रही हैं उसमें बहुत फ़ायदा करती है। इसी के साथ साथ मैंने लगभग 12-13 काली मिर्च के पीसेस डाले हैं, वो काली मिर्च भी गले की खराश संबंधित रोगों के लिए बहुत फ़ायदा करती है। 1 बड़ी इलायची डाली है मैंने, और साथ ही साथ में मुलेठी डाली है क्रश करके। तो मुलेठी चेस्ट की जो कंजेशन होती है उसको दूर करती है, और डाइजेशन में हेल्प करती है, और डायरिया वगैरह रोगों को दूर करती है। तो ये लगभग 2-2.5 इंच मैंने दालचीनी का पीस लिया है। तो दालचीनी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, और ये बीपी को भी कंट्रोल करती है। साथ ही साथ 3 हरी इलायची मैंने डाल दी, साथ में 5 मुनक्का के पीसेस डाले। मुनक्का जो होती है गैस्ट्रिक इश्यूज़ को दूर करती है और बीपी को मेंटेन करती है, तो मुनक्का भी बहुत फ़ायदा करती है। और मुनक्का के बाद मैंने ये तुलसी के करीब 25-30 पत्ते लिए हैं, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं। तो तुलसी तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी होती है, ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होती है। तो इस कोविड के समय जितनी परेशानियाँ हो रही हैं इन सब सारी चीज़ों में उन सबको दूर करने के गुण होते हैं। और साथ ही साथ में अब ये गिलोय ली है, गिलोय भी बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है और एसिडिटी को भी रोकती है।
तो ये तो बहुत ही ज़्यादा गुणकारी औषधि है गिलोय, इसको तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अब साथ में मैंने अदरक लिया है लगभग 2 इंच का, इसको क्रश कर लिया है, ग्रेट कर लेंगे हम। आप चाहें तो सारी चीज़ें मिक्सी में पीस के भी डाल सकते हैं। तो अदरक भी गले की जो भी तकलीफ़ इस समय हो रही है, सर्दी, गले से रिलेटेड दर्द और बुखार, सभी को फ़ायदा होता है इस अदरक को यूज़ करने से, सभी चीज़ों में फ़ायदा करती है ये अदरक। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया है। मैंने बाकी चीज़ें काली मिर्च और लौंग को क्रश करके नहीं डाला है, अगर आप डालना चाहें तो उसको भी आप क्रश करके डाल सकते हैं, परंतु काली मिर्च का जो पाउडर है उसको बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो वो गले में बच्चों के नुकसान कर सकता है, जब अगर आप बच्चों को देंगे तो। और ये मैंने लगभग 2 इंच हल्दी ली है, हल्दी मैंने साबुत फ्रेश वाली ली है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं, हर घर में अवेलेबल नहीं होती, तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आधा चम्मच। हल्दी औषधीय गुण से भरपूर होती है, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीपायरेटिक गुण होते हैं और एंटीबायोटिक गुण भी होते हैं। साथ में इसमें क्यूर्क्यूमिन कंपाउंड होता है, जो इसमें वायरस से लड़ने की बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, इसलिए हल्दी ज़रूर डालिएगा इस काढ़े में। और साथ में इसमें हल्का मीठापन के लिए मैं इसमें 2 पीसेस गुड़ के डाल रही हूँ, आप गुड़ की जगह हनी भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बिल्कुल शिशु होते हैं उनको ये काढ़ा बिल्कुल मत दीजिएगा, 2 साल से छोटे बच्चों को 2 चम्मच दीजिएगा और 2 साल से बड़े बच्चों को आप 4 चम्मच भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, हवा में ही वायरस घुल चुका है, इसलिए आप अपना और अपने बच्चों का रखरखाव बहुत अच्छे से कीजिएगा। इस काढ़े का सेवन करने से गले का हर प्रॉब्लम दूर होगा, चाहे सर्दी खांसी हो, सर दर्द हो, बुखार हो, सारी प्रॉब्लम्स इसके दूर हो जाएंगी, बस आपको इसका नियमित सेवन करना है। तो इसको अब हम चलाते हुए काढ़ेंगे। तो आयुष मंत्रालय ने हम सबको इस समय भाप लेने के लिए भी कहा है, तो अगर आप सिर्फ अकेले के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो इसी जो काढ़े की जो भाप निकल रही है इसके सामने मुंह लगा के इसी भाप को लीजिए, तो जिससे कि आपके गले में कोई भी खराश है या कोई खांसी हो रही है वो बहुत ही जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी, क्योंकि इसकी भाप में पूरे औषधीय गुण हैं। तो ये ले सकते हैं, या अन्यथा आप नॉर्मल सादे पानी की भाप तो ले ही सकते हैं। अब इसको मैं ढक के सेम आँच पे स्लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट बाद मैंने इसको खोल के देखा तो देखिए कितना बढ़िया काढ़ा बन के रेडी हो गया है। सारी सामग्री का अर्क पानी में घुल चुका है, और जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा, इसलिए मैंने इसमें 4 ग्लास पानी लिया था कि सूख कर लगभग 2 ग्लास पानी बचेगा और हमें इस काढ़े से ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। अब इस काढ़े को मैंने एक जग में निकाल लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको सुबह बना लीजिए और सुबह और शाम दोनों टाइम इसका सेवन ज़रूर कीजिए, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अभी इस कठिन वक्त में कोरोना के टाइम में इसका पीना ज़रूरी बहुत है। अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं तब तो ये काढ़ा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा, और अगर आप कोरोना से संक्रमित नहीं भी हैं तो ये आपको कोरोना से बचने में बहुत ज़्यादा सहायता देगा। तो इसलिए बच्चों को भी दीजिए, बुज़ुर्गों को भी दीजिए और ख़ुद भी पीजिए, इस काढ़े का सेवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बड़ों को और बच्चों को कितनी क्वांटिटी में लेना है वो मैं बताऊंगी। तो बड़े कप एडल्ट्स के लिए है, जिस कप में मैंने छाना वो 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, और ये छोटे वाले ग्लास में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, लगभग 4 से 5 चम्मच हमको लेना है। और अगर आपको खांसी की ज़्यादा शिकायत है तो आप इसमें मुलेठी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और लास्ट में इस काढ़े में हम सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर लेमन मिलाएंगे, तो हर ग्लास में, हर कप में हम आधा आधा नींबू निचोड़ के डालेंगे। तो विटामिन सी हमको सबसे ज़्यादा मात्रा में लेना है अभी इस वक्त में, तो हम हर ग्लास में आधा आधा नींबू निचोड़ेंगे और सर्व करेंगे। तो आप इस काढ़े को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर दोनों टाइम सेवन कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना फ़ायदा पहुँचाया इस काढ़े ने। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इस काढ़े से फ़ायदा हुआ है। तो अंत में मैं आपसे सिर्फ यही पूछना चाहूँगी कि आपको ये काढ़ा बनाने की रेसिपी कैसी लगी, और मेरी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हम सबको इस कठिन वक्त से निकालने के लिए शक्ति प्रदान करें, जिससे कि हम इस कठिन वक्त से निकल पाएं। तो इस कठिन और बहुत ही बुरे वक्त में आप सब अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, बहुत सुरक्षित रहें। जय हिंद।